Assalamualaikum viewers, आज इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूंगी किस तरह से ये ऑफ द शोल्डर जो ड्रेस है उसको आप ट्रांसफर करके नया एक लुक दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग कागज़ देख सकते हो ये बेसिकली टोटली जिस तरह से मेरी ड्रेस का स्कर्ट है ठीक वैसे ही मैंने ये कट करके आप लोगों को कागज़ पे दिखाऊंगी, उसके बाद मैं फैब्रिक पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ 15 इंच को 8 इंच पे मैं एक मार्क करूंगी, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा होगा यानी कि लंबा होगा और छोटा जो ऊपर का है वो थोड़ा छोटा होगा। तो इससे क्या होगा, इसे हाई हो जाएगा फ्रंट पे और लो हो जाएगा नीचे पे बैक पार्ट पे। तो ये इस तरह से हाई लो ड्रेस मैं तैयार करूँगी बहुत सारा पैलेट्स देकर, रिफ्यूल जैसा मैं दूँगी एक लुक। तो इस तरह से मैं इसको दोनों तरफ से इसको पिन से इसको सिक्योर करूँगी। करने के बाद यहाँ पे मैं स्टिच कर दूँगी जहाँ पे जब मैं फैब्रिक पे काम करूँगी। जब ये हो जाएगा हम लोगों को इस तरह से इसको फोल्ड करना होगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको आप लोगों को मार्क करके एक शेप देना होगा फ्रंट का, जैसे इस तरह से। तो ये होगा क्या, इससे आप लोगों का जो यू स्नेक जैसा जो एक शेप है वो आप लोगों को इस तरह से देना होगा। इसके बाद ये मेरी फ्रंट पार्ट के साथ में करूँगी, यानी कि फ्रंट पे एक और बैक पे होगा एक। तो ये इस तरह से मेरी हो गई है टोटल 2 पीस। तो मैं यहाँ पे लेयर बनाऊंगी ठीक जिस तरह से मैंने आप लोगों को कागज़ पे दिखाया ठीक वैसे ही मैं 2 लेयर और एक लेयर बनाऊंगी, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो अब मैं इसको फैब्रिक पे कट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा जो स्प्रीड है मैं थोड़ा बड़ा स्प्रीड को थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये और भी लॉन्ग हो। 15 मिनट का हो गई है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 16 इंच पे मैंने इसको इस तरह से रख के फ्रंट पे मैं 16 इंच रखा और बैक पे जो है वो मैं वही रखा, कोई छोटा बड़ा मैंने नहीं किया। तो इस तरह से इसको मैं कट कर लेती हूँ यहाँ से। उसके बाद ये जो पार्ट है इस साइड पे मैं दोनों को एक साथ स्टिच कर लूँगी इस तरह से। तो ये हो गई है। जब ये हो जाएगा जिस तरह से मैंने एक स्नेक सा शेप दिया है ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पर भी एक शेप देना होगा। ये मेरी बैक पार्ट का है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है सेंटर से। करने के बाद इसको मैं इस तरह से रख के जो मैंने पहले कट किया था उससे 3 इंच कम लूँगी, यानी कि जो मैंने पहले कट किया था उससे छोटा होगा। आप लोगों को मैं कट करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये पार्ट यहाँ पे है और जो नीचे का पार्ट है मुझे यहाँ पे कट करना होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 13 इंच, यानी कि पहले वाला था 16 इंच और ये है 13 इंच, तो ये छोटा है। और जो नीचे का जो पार्ट है वो बैक साइड पे चला जाएगा, जो छोटा वाला था बैक पार्ट का वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी 2 लेयर हो गई है। तो अब मैं आप लोगों को दोनों को एक साथ करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसको मैं इस तरह से रखूँगी, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, और ये है मेरी शॉर्ट वाला। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग को दिखाती हूँ, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। तो आप लोग देख सकते हो इसका छोटा और बड़ा कितना डिफरेंट है। तो इस तरह से मुझे इसको स्टिच करना होगा। अब मैं क्या करूँगी, आप लोगों को पिन से इसको ब्लॉक करके दिखाती हूँ। जो लोग नए हों उन लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा तो मैं दिखाती हूँ। इस तरह से मुझे फ्रंट का पार्ट और बैक को जो पार्ट है दोनों का पार्ट मुझे स्टिच करना होगा। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि समझ में नहीं आया कुछ भी मैं जो बता रही हूँ और वीडियो बहुत ही स्प्रीड था, बट आई डोंट नो इससे अच्छा किस तरह से गाइस कहते हैं। मैंने पूरा जो डिटेल्स है उसमें बता रही हूँ, कितना ले रही हूँ मेजरमेंट, फैब्रिक्स कितना है, और ये जो पार्ट आप फैब्रिक्स है ये फैब्रिक मैंने जो मेरी एक साड़ी था पुरानी साड़ी से लिया, यानी कि टोटल जो पूरा साड़ी है मेरी इस ड्रेस पे चला गया। तो आप लोग एग्जांपल एक आइडिया कर सकते हो कितना फैब्रिक लग सकता है एक साड़ी में, कितना होता है 12 हाथ होता है एक साड़ी।
जॉर्जेट फैब्रिक पे। अगर यहाँ पे मैं एक लेयर देता तो ट्रांसपेरेंट होता, दिखने में अच्छा नहीं लगता ये ड्रेस। सो इसलिए मैंने यहाँ पे दो लेयर दिया है। अगर आप लोग थ्री लेयर देते हो तो बहुत ही गॉर्जियस लगेगा ये ड्रेस। सो यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है दोनों पीसेस को। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको मैं स्नेक के जैसा शेप दूंगी, जो मैंने पहले कागज़ पे आप लोगों को करके दिखाया था। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ इस तरह से, और इसी तरह से मुझे एक फ्रॉन्ट के लिए तक ले आना होगा, ऐसा एक शेप देकर जिस थोड़ा ज़्यादा या फिर कम ना हो। अगर आप लोगों को लगता है कि जॉर्जेट फैब्रिक को बैलेंस करना थोड़ा टफ है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा है बैक वाला, तो आप लोग जो ज़्यादा वाला पार्ट है आप लोग उसको सिर्फ कट कर लो। तो इससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी स्टिच इसको बैलेंस करना। तो अब मैं दोनों पीसेस को एक साथ यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ इस तरह से, और चारों तरफ मैं स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ मेरी जो टॉप पार्ट है वो। या मैंने यहाँ पे सारे 7 इंच मैंने दिया है शोल्डर के लिए, यानी आर्म होल के लिए, और शोल्डर के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 7 इंच। लेकर यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ एक 9 इंच पे, जो मेरी नॉर्मली मेजरमेंट है मेरी चेस्ट का। तो आप लोगों का जो मेज़रमेंट है उसको आप लोग 4 से डिवाइड करके ये जो नंबर निकलता है वो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको नेक को देती हूँ तकरीबन 5 इंच, देकर इसको मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ से मुझे एक शेप देना होगा, यानी कि हार्ट वाला शेप। यहाँ पे मैं हार्ट वाला शेप नहीं देता, नॉर्मली रखता, क्योंकि ये जो मेरी पुरानी ड्रेस थी वो ऑफ द शोल्डर जो है वो शोल्डर पे जाके पड़ता था नेक, तो वहाँ पे थोड़ा नेक चला गया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट सा एक लुक देने के लिए, और मेरी कपड़े भी बहुत कम था तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैं एक हार्ड शेप देकर ऊपर का जो शोल्डर का पार्ट है उसको मैं डिफरेंट कलर, यानी कि जॉर्जेट जो फैब्रिक है उसको मैं दूंगी। टॉप का लेंथ है जो है मैंने टोटल मैंने दिया 17 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा दिया था, तो टोटल हो गई मेरे 16 से 17 इंच। और आर्म होल को मैंने यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो नेक है यहाँ से मैं खुले हाथों से एक हार्ड शेप का शेप दूंगी, तो यहाँ पे एक शेप आएगा हार्ट के जैसा इस तरह से मैं खुले हाथ यहाँ पे इस तरह से एक शेप देकर आर्म होल के इस तरह से मिला देती हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको चारों तरफ से इसको कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद इसको मैं फैब्रिक का जो टॉप पार्ट था मेरी पुरानी, वो टॉप पार्ट को मैं टोटली जो जहाँ जहाँ पे मैंने स्टिच किया था वहाँ वहाँ पे मुझे स्टिच को खोलना होगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप लोगों का जो बैलेंस है उसको आप लोग कर सकते हो, कम कपड़ा जो है वो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये पीसेस को भी मैंने काट लिया है, तो मेरी नॉर्मली ये दो पार्ट मुझे ज़रूरत होगी। अब मैं इसको फैब्रिक पे कट करूँगी, तो आप लोग वो देख सकते हो किस तरह से मैं कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पार्ट मैं जॉर्जेट फैब्रिक पे काटूँगी, और यहाँ पे मैं चारों तरफ से आप लोग देख सकते हो मैंने जो स्टिच है उसको खोल लिए हैं। इसको फोल्ड करके मैं टॉप पार्ट को निकाल रही हूँ, और यहाँ से मैं जो मेरी आप लोग देख सकते हो जो एक्स्ट्रा जो है साइड पे वो मैंने कट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी क्योंकि अगर ये ड्रेस, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये प्रिंसेस पार्ट था, यहाँ पे एक प्रिंसेस का एक शेप आया था आप लोग देख सकते हो सेंटर पे, अगर मैं वो कट कर लेती हूँ तो मेरी रिक्स है ये छोटा हो जाए, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के ही मैं कट करूँगी। क्योंकि इससे होगा क्या, जब मेरी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी और देखूँगी कि कितना मुझे छोटा करना है तब मैं इसको छोटा करूँगी, पहले मैं छोटा नहीं करूँगी, इसको इस तरह से मैं छोड़ दूँगी। ये फैब्रिक को मैंने दो उसको फोल्ड किया है, फोल्ड करके यहाँ पे मुझे चारों तरफ से हाफ इंच करके एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक में बैलेंस करना बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर छोटा हो जाए आप लोगों को वो फैब्रिक को फेंक देना होता है, अगर आप लोग ज़्यादा लेते हो उसको छोटा करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको काट कर लिया है, और अब मैं क्या करूँगी, ये पार्ट को मैं यहाँ पे लगा लूँगी।
इस तरह से। इस तरह से मुझे दोनों पीसेस को यहाँ पे स्टिच करना है। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे करके मैं कट कर दूंगी, जहाँ जहाँ पे राउंड सा शेप आया है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच तकरीबन मैं फोल्ड करके चारों तरफ मैं स्टिच करूँगी। और जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट के फ्रंट पे मैं एक लेस अटैच करूँगी, जो बाज़ार में नेक मिलती है ना, नेक के जैसे वो मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो शोल्डर पे जो जॉर्जेट फैब्रिक मैंने दिया है ये ट्रांसपेरेंट है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये ट्रांसपेरेंट हो। तो इसलिए इसको एक डिफरेंट सा लुक देने के लिए आप लोग यहाँ पे लेस अटैच कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया है। और बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका लुक। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो के आखिर पे आप लोग देख सकते हो वो फोटोज़, मैंने जो इसका न्यू लुक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से चारों तरफ से मैं फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी मैं दो बार इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं कोई भी बकरम यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो नेक में लगाऊँगी लेस का वो बहुत ही हार्ड है, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी कि आप लोग वहाँ पर बकरम यूज़ करो। सो इसलिए मैंने यहाँ पर बकरम यूज़ नहीं किया। तो ये है वो लेस जो मैं नेक बता रही थी। इस नेक को मैं यहाँ पे इस तरह से लगा लूँगी, जो फैब्रिक ग्लू है उस ग्लू के साथ मुझे यहाँ पे इसको लगाना होगा। इससे होगा क्या, इसको मैं ब्लॉक कर लूँगी, जब मैं यहाँ पे स्टिचिंग करूँगी तो ये मूव नहीं करेगा और इजीली आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है मेरी स्कर्ट, जो दोनों पीसेस को मैं एक साथ स्टिच कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे पिन से एक छोटा सा पैलेट्स दिया है, जहाँ जहाँ पे मेरी कपड़ा जो है वो ज़्यादा है वहाँ वहाँ पे मैं छोटे छोटे करके पैलेट्स डाल के मुझे 36 के वेस्ट पे ले आना होगा। यानी कि मेरी जो वेस्ट है वो है 36। तो यहाँ पे मैं पैलेट्स को डाल रही हूँ इस फूट के साथ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग हैंड से भी छोटे छोटे करके पैलेट्स दे सकते हो। ये रिफ्यूल के जैसा एक लुक आएगा और बहुत ही वॉल्यूम जो है वॉल्यूम देगा ड्रेस पे। तो ये मेरी पार्ट को स्टिच मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो नीचे ड्रेस का जो नीचे का स्कर्ट है, यानी कि स्कर्ट का जो नीचे का पार्ट है, उसको मुझे इस तरह से खींच खींच के स्टिच करना होगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, यहाँ पे एक स्नेक से जैसा एक शेप आएगा, राउंड राउंड शेप आएगा, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मुझे चारों तरफ स्कर्ट के देना होगा। और ये है मेरी बैक पार्ट, बैक पार्ट का नेक को मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरी जो फ्रंट पार्ट का था वो उसको मैंने स्टिच कर लिया है यहाँ पे, और शोल्डर और यहाँ पे मैं हाफ इंच करके छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो स्कर्ट है उसको स्टिच करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और शोल्डर से भी मैं हाफ इंच करके छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले शोल्डर को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेस रह जाएगा वो लेस को ऊपर मुझे रखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टिच करती हूँ। और इसका जो स्लेवेस है, इस वीडियो के बाद ही मैं वो वीडियो दूंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो पुफ जो है स्लेवेस वो। ये मेरी जो स्कर्ट है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे राइट साइड एक साथ रख के सेंटर से मुझे पिन करके मैं इसको यहाँ पे इस तरह से पिन से इसको चारों तरफ से सिक्योर करना है। जब ये सिक्योर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैं स्टिच दूंगी। और जहाँ जहाँ पे मैंने स्टिच दिया है वहाँ वहाँ पे आप लोगों को जिगजैग स्टिच देकर इसको बंद करके देना होगा। तो गाइज यहाँ पे तैयार हो गई है, आप लोग रिजल्ट देख सकते हो वीडियो के आखिर में कितना लुक
आया है, कितना सुंदर सा एक लुक देता है। ये ड्रेस आप लोग पार्टी में भी पहन सकते हो, कैजुअल ड्रेस भी के जैसे भी पहन सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। और जो लोग नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले आप लोगों के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।